गाइस, ये जो है एक्चुअली मैं अपनी पार्ट टू वीडियो है ड्यूडेनम के ऊपर। मैं आपको इसकी पहले ही पार्ट वन वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जो है रिलेशन बता चुका हूँ। आज अपन इस वीडियो में ड्यूडेनम के पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर के सारे रिलेशन देखेंगे। तो यार, अगर आपने मेरी इसकी पार्ट वन वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जो है इसकी पार्ट वन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे मैं जो है आपको रिलेशन में पहले ही बता चुका हूँ और 3D मॉडल्स भी दिखा चुका हूँ। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप पहले पार्ट वन वीडियो देखें, देन आप पार्ट सेकेंड वीडियो में आए। लेकिन अगर आप मेरी पार्ट वन वीडियो देख चुके हैं तो अब वो क्लियरली सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं पार्ट थ्री से। तो क्या होता है, ये अपना था फर्स्ट पार्ट, ये अपना था सेकेंड पार्ट। मैं अगर इस डायग्राम में दिखाऊँ तो आपको क्लियरली पता है कि यहाँ से लेकर सुपरफिशियल ड्यूडेनम फ्लेक्चर तक अपना था फर्स्ट पार्ट, देन सुपरफिशियल ड्यूडेनम फ्लेक्चर से लेकर इन्फीरियर ड्यूडेनम फ्लेक्चर तक अपना था सेकेंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट जो होता है वो अपना रहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो अपना रहता है इन्फीरियर ड्यूडेनम फ्लेक्चर से लेकर यहाँ पे एक्चुअली में क्या प्रेजेंट रहती है, अपनी प्रेजेंट रहती है आयोटा। मैं इसको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने 3D मॉडल में आपको बता दिया था कि ड्यूडेनम के पोस्टीरियर रिलेशन आप अच्छे से याद कर लेना, वो जो है आयोटा और इन्फीरियर वीने कावा के साथ बनाता है। इस तरीके से जो है अपनी प्रेजेंट रहती है आयोटा, ठीक है। देन थर्ड पार्ट जो है एक्चुअली में इन्फीरियर वीने कावा, इन्फीरियर ड्यूडेनम फ्लेक्चर से लेकर अपनी एब्डोमिनल आयोटा तक रहता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, सबसे पहले इसका एक्सटेंड देखें अपन थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट कहाँ से बिगेन होता है, वो आपका बिगेन होगा इन्फीरियर ड्यूडेनम फ्लेक्चर से लेकर, और एंड कहाँ पे होता है, अपना एंड होता है इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। देन अब अपन इसके रिलेशन देखें, सबसे पहले वही पेरिटोनियल रिलेशन। तो ये जो है ये भी अपने रेट्रो पेरिटोनियल है। मैंने आपको बताया था ना, ड्यूडेनम पूरा रेट्रो पेरिटोनियल होता है, सिर्फ एंटेरियर सरफेस ही पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर रहती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो जाती है। अगर अपन दिखाऊँ मैं आपको, ये जो फर्स्ट, ये क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। तो इस थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में बीच में से इसके फ्रंट में आपकी क्रॉस करती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। तो यहाँ पे ये दो आर्टरी क्रॉस करने के कारण इंटीरियर सरफेस में भी पूरी तरीके से पेरिटोनियम कवर नहीं रहती। इसके बीच में जहाँ पे आर्टरी वगैरह क्रॉस होती हैं वहाँ पे अपनी पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन कवर नहीं होती। सिमिलरली अपन ने सेकंड पार्ट में भी देखा था कि सेकंड पार्ट में जिस एरिया में ट्रांसवर्स कोलोन होता था वहाँ पे अपनी इंटीरियर में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नहीं थी। सिमिलरली इसके थर्ड वाले पार्ट में भी यही याद करना है कि इसके बीच में पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल जो हैं इसको क्रॉस कर जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है पेरिटोनियल रिलेशन में, कि रेट्रो पेरिटोनियल होती है, सिर्फ इंटीरियर सरफेस ही आपकी पेरिटोनियम से कवर होगी, ठीक है। लेकिन इंटीरियर सरफेस में भी कौन सी सरफेस कवर नहीं होती है, एक्सेप्ट मीडियल प्लेन जहाँ पे क्रॉस होती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। देन फिर अपन आते हैं इसके विसरल रिलेशन पे। तो इसको क्या अपन डायग्राम से ही पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट के इंटीरियर में आपका क्या आ रहा है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। तो बस आपको क्या यही लिखना है, आपको पूरे डायग्राम याद होने चाहिए, देन उसी डायग्राम को अपन देख देख के जो है इसके सारे रिलेशन अपन लिख देंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके इंटीरियर में क्या है, इसके इंटीरियर में आपका प्रेजेंट है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। तो अब अच्छे से याद कर लेना, इसके इंटीरियर रिलेशन आपका बना रहा है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड रूफ ऑफ मेसेंट्री। इसके नीचे जो है मेसेंट्री आने लगती है, तो रूफ ऑफ मेसेंट्री। देन इसके पीछे, ये थर्ड पार्ट के पीछे क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट होता है आयोटा, इन्फीरियर वीने कावा, देन ये है अपनी राइट किडनी, किडनी के ऊपर क्या होता है, अपना होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, और किडनी की ही वेसल्स जो कि होती है अपनी रीनल वेसल्स, ठीक है। उसके अलावा जो किडनी है उसी ये क्या निकल रहा है, ये अपना निकल रहा है यूरेटर्स, और एक मसल भी होती है जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करी है, उसे अपन बोलते हैं राइट श्वास मेजर मसल। अब क्या होता है, ये जो आयोटा जो है ये जो है अपनी एक ब्रांच देता है, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं गोनेडल आर्टरी। अगर मेल है तो इसी को अपन बोलने लगेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी, वहीं फीमेल है तो इसी को अपन बोलने लगेंगे ओवेरियन आर्टरी। तो ये भी आर्टरी जो है एक्चुअली में इसी थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर में रहती है। तो सारे स्ट्रक्चर जो है
मैं आपको फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली में 3D में दिखा ही चुका हूँ, इसलिए सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा था। देन यहाँ पे भी ये लिखा है इसके पोस्टर रिलेशन कौन बना रहा है। पहले राइट यूरेथ्रा, ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका राइट यूरेथ्रा बना रहा है। देन राइट सॉस मेजर मसल, ये वाली। देन आयोटा की कौन सी ब्रांच, मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी, फीमेल में ओवेरियन आर्टरी, ये वाली जिसको अपन गोनेडियल आर्टरी भी बोलते हैं। उसके अलावा इन्फीरियर वीने कावा, ये पूरी, और एब्डोमिनल आयोटा। तो ये इसके सारे अपन ने जो है पोस्टीरियर रिलेशन देख लिए। देन अगर हम आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये थर्ड पार्ट क्या है। सुपीरियर में क्या है, हेड ऑफ पैनक्रियास। तो इसके सुपीरियर में आपका रिलेशन बनाता है हेड ऑफ पैनक्रियास से, और जाहिर सी बात है इसके पीछे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके इन्फीरियर में आपका होगा इंटेस्टाइन, इसके नीचे आपका होगा जुजेनम। तो इसके नीचे वो रिलेशन बना रहा है कॉइल ऑफ जुजेनम से। तो बिल्कुल बड़ा इजीली थर्ड पार्ट जो है इसके सारे रिलेशन हो जाते हैं, कुछ खास ये होता नहीं है थर्ड पार्ट अपन का पढ़ने के लिए। देन फोर्थ पार्ट एंड इसका लास्ट पार्ट अगर अपन देखें तो फोर्थ पार्ट का पहले मैं अगर आपको एक्सटेंड दिखाऊं इस डायग्राम से तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे था अपना एब्डोमिनल आयोटा, देन एब्डोमिनल आयोटा से ये वाला पार्ट जो अपना ऊपर असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कब तक, अपनी जो सेकेंड लंबर वर्टिब्रा होती है ना उसके लेवल तक, इसी को अपन बोलते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट अपना कैसा होता है, वो अपना रन करता है अपवर्ड अप टू, कब तक, अपर बॉर्डर ऑफ ये जो है ना अपना सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, उसकी अपर बॉर्डर तक, अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक। उसके अलावा टू बिकम कंटिन्यू विद जुजेनम, उसके बाद यही अपने जुजेनम में कंटिन्यू हो जाता है एज ए ड्यूडेनो जुजेनल फ्लेक्सर में। तो ये अपन ने फोर्थ पार्ट का देखा एक्सटेंड। देन फिर अपन देखते हैं इसका रिलेशन। तो पहले इसमें है पेरिटोनियल रिलेशन, तो ये भी अपना रेट्रो पेरिटोनियल है, सिर्फ इंटीरियर में ही पेरिटोनियम से कवर होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ही वो इंटीरियर में कवर हो जाता है। उसके अलावा फिर अपन देखें इसके विसरल रिलेशन। तो यार थोड़े इसके विसरल रिलेशन जो है ना थोड़े से अपन को टेक्निकल जिस वे में चले जाते हैं, तो समझाने के लिए मैं तुम्हें इसी डायग्राम से समझाता हूँ तो तुम्हें अच्छे समझ में आएंगे। तो ये अपन क्या करते हैं, ये जो थर्ड पार्ट का डायग्राम है ना उसी को मैं क्या तुम्हें इस हाइलाइटर से एक्सटेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो मैंने मार्कर से अब तुम्हारे लिए बनाया यही एक्चुअली में क्या है, ये अपनी में फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, थर्ड पार्ट को एक्सटेंड करते हैं तो अपना बन जाएगा ये फोर्थ पार्ट। यहाँ पे क्या है, इसी फोर्थ पार्ट को सेपरेटली दिखा दिया मैंने। तो ये जो फोर्थ पार्ट है अब तुम क्लियरली देख पा रहे हो इसके जस्ट साइड में क्या आ रहा है, इसके जस्ट साइड में अपना आ रहा है आयोटा, ठीक है। एंड आयोटा के साइड में अपना होता है इन्फीरियर वीने कावा। अब आप तुम देखो यहाँ पे जो ये जो दिख रही है आपको वेन, ये है स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन ही अपनी बनाती है आगे पोर्टल वेन। तो तुम क्या इससे कंफ्यूज मत होना यार बिल्कुल भी, ये इन्फीरियर वीने कावा अलग चीज है, वो पोर्टल वेन अलग चीज़ है। मैंने तुम्हें पार्ट वन में भी इसमें स्ट्रेस करा था इसी के लिए, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है ना ये है अपनी रीनल आर्टरी और वेसल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको स्प्लीनिक वेन शो नहीं करी है क्योंकि क्या है स्प्लीनिक वेन इसके ऊपर होती है, इसलिए इस डायग्राम में शो नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे आपकी करी है स्प्लीनिक वेन। तो स्प्लीनिक वेन जो है पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, इन्फीरियर वीने कावा का नहीं है, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना। तो फोर्थ पार्ट के दस साइड में आपका रहता है एक पूरा आयोटा, ठीक है। उसके अलावा आपकी प्रेजेंट रहती है स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन ही एक और ब्रांच देती है जिसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो आप ये याद करना पड़ेगा, स्प्लीनिक वेन एक ब्रांच देगी उसे बोलेंगे इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। और आयोटा के जस्ट साइड में आपका प्रेजेंट रहता है सिंपथेटिक ट्रंक, तो इसके साइड में आप बना देना सिंपथेटिक ट्रंक। और यार जो फोर्थ पार्ट है ना इतना खास अपना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिर्फ आप उसको समझ लो और अच्छे से एक बार डायग्राम देख लेना, लेकिन इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं होता ये। तो मैं अगर आपको इसके रिलेशन बताऊँ यहाँ पे विसरल रिलेशन, तो इंटीरियर में इसके इंटीरियर में क्या होगा, इसके इंटीरियर को दिखाने के लिए मैं क्या तुम्हें 3D मॉडल दिखा देता हूँ। ये जो है ये वाला अपना पार्ट है अपना फोर्थ पार्ट, ये जो असेंड कर रहा है ना ये वाला, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो इस फोर्थ पार्ट के इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है। इंटीरियर में आपका प्रेजेंट है ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन के साथ ही चलता है अपना ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, और यहाँ पर स्टोमक भी आ रहा है, यहाँ पर स्टोमक भी है,
तो इसके इंटीरियर रिलेशन जो है मैंने आपको 3D मॉडल से दिखाया। देन इसके पीछे क्या है, ये अपने नीचे वाले डायग्राम में देखो, पोस्टीरियर का डायग्राम है अपना, आ रहा सिंपथेटिक चेन, देन रीनल आर्टरी, फिर गोनेडियल आर्टरी भी आ रही है, और ये एक आपकी आ रही है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो बिल्कुल क्लियरली तुमने सब कुछ समझ लिया होगा। उसके अलावा इसके ये देख रहे हो ना आप, फोर्थ पार्ट के राइट साइड में क्या आ रहा है, फोर्थ पार्ट के राइट साइड में अपना आ रहा है किडनी। तो ये भी आप याद कर लो। तो इसके लेफ्ट में होता है लेफ्ट किडनी और लेफ्ट ही यूरेथ्रा। तो ये मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के भी सारे रिलेशन अच्छे से बता दिए। देन अब बारी है इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ने की। तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या रहता है एक्चुअली, मैं आपको फिर से ये दिखाना पड़ेगा मुझे। तो क्या है, ये अपना पूरा ड्यूडेनम है। देन सेकेंड पार्ट में अपनी ओपन हो रही है बाइल डक्ट, या आप मान लो बाइल डक्ट। तो अगर मैं आपको उसका डेवलपमेंट बताऊँ, मैं एक्चुअली मैं क्या करूँगा आपके लिए डेवलपमेंट की पूरी एक सीरीज निकालने वाला हूँ मैं एम्ब्रियोलॉजी की, वो है लेस देन 5 मिनट एम्ब्रियोलॉजी। तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा आपको, जो इसकी एम्ब्रियोलॉजी है, इसकी एम्ब्रियोलॉजी भी अपन देखेंगे, पूरा एनाटॉमी कवर करेंगे, हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ओस्टियोलॉजी सब कवर करेंगे। तो मैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी में इसका पूरा डेवलपमेंट मैं बता दूंगा ड्यूडेनम का। लेकिन अब आप बस सुन लो एक्चुअली में क्या होता है, ड्यूडेनम जो है वो अपना फोरगट और मिडगट दोनों से बनता है। एक्चुअली में ये जो बाइल डक्ट जहाँ पे ओपन हो रही है ना ड्यूडेनम में, उसके ऊपर वाला पोर्शन आपका बनता है फोरगट से, और उसके नीचे वाला पोर्शन आपका बनता है मिडगट से, ठीक है। तो ये जो बाइल डक्ट है एक तरीके से क्या कर रहा है, जंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो बता रहा है इसके ऊपर वाला पार्ट आपका डेवलप होगा फोरगट से और नीचे वाला मिडगट से। अब क्या होता है, इसी बाइल डक्ट के ऊपर वाला पार्ट अपना सप्लाई होता है सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी से, वहीं इसके नीचे वाला पार्ट, बाइल डक्ट के नीचे वाला पार्ट आपका सप्लाई होगा इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी से। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो उसमें आर्टरी सप्लाई में पहली लाइन ये लिखी है डेवलपमेंट की, ड्यूडेनम का जो डेवलपमेंट है वो दो पार्ट से होता है, एक फोरगट और एक मिडगट। और जो बाइल डक्ट की जो ओपनिंग होती है ना सेकेंड पार्ट में, वो जंक्शन की तरह काम करता है फोरगट और मिडगट में। तो उस बाइल डक्ट के ऊपर वाले लेवल पे वो सप्लाई होगा सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी से, वहीं उसके नीचे वो सप्लाई होगा इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी से। वहीं अगर अपन इसका देखें वीनस ड्रेनेज, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ड्रेन कर देती है स्प्लीनिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, जो दोनों आपकी मिलके बना लेती हैं बाद में पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के ऊपर यार तो मेरी वीडियो देख ही लेना, मैंने पूरा पोर्टल वेन तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। उसके बाद अब अपन देखें नर्व सप्लाई। तो इसकी जो सिंपथेटिक नर्व है वो आ रही है T9 से लेकर T10 स्पाइनल सेगमेंट से, वहीं इसकी पैरासिम्पथेटिक नर्व आपकी आती हैं वेगस नर्व से थ्रू कोलियर प्लेक्सस से। तो ये पूरा मैंने आपको जो है ड्यूडेनम का नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सारे पार्ट्स के रिलेशन बता दिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यार कभी अगर ड्यूडेनम अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन में जाए, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। मेनली ये जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वो क्या करेगा, आपसे बोल देगा कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो आप उसको शॉर्ट नोट में कैसे लिखोगे पहले वो बताता हूँ। तो आप डायरेक्ट क्या फर्स्ट पार्ट लिखने मत बढ़ जाना, बिल्कुल आपका हेडिंग्स में डालना, पैराग्राफ ना करके पॉइंट्स में अच्छे से संभाल के लिखना, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि तुमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। तो पहले तो हम ड्यूडेनम के हेडिंग डालूंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना, डेफिनेशन लोकेशन का, फिर जो है तुम इसको पार्ट्स लिखना, फिर आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, देन फर्स्ट पार्ट का पूरा एक्सटेंड लिखना, देन फिर इसके रिलेशन लिखना। और रिलेशन किस तरीके से आप लिखोगे, आप लिखोगे पेरिटोनल रिलेशन पहले, फिर आप लिखोगे विसरल रिलेशन। और ये करने के बाद जो है आपको इसका डायग्राम भी बना के आना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट का, ये वाला। तो दोनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट पार्ट का डायग्राम और सेकेंड पार्ट का डायग्राम। तो मेनली वो क्या अपना फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ही आपका देता है एज ए शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। लेकिन अगर वो क्या करेगा, इसको उसने शॉर्ट नोट में नहीं दिया तो वो एक और चीज़ कर सकता है,
अगर आपका पीसीटी या सेशन आ रहा है ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्ट आपसे किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का डायग्राम बनवा लेगा, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो आपको क्या फिर इसका थर्ड पार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ड्यूडेनम अपना एक पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ड्यूडेनम से देखो यार क्वेश्चन तो आना ही होता है, ठीक है, तो हमको पता नहीं रहता कि ड्यूडेनम से किस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। या तो उसका फर्स्ट या सेकेंड पार्ट पर दे देगा, मेनली तुम यही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो तुम्हें इसके डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा ही बता दिया। और अगर वो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो तुम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आराम से लिख देना, पहले ड्यूडेनम हेडिंग डाल के, डेफिनेशन लिख के, फिर हर पार्ट के रिलेशन, फिर दोनों रिलेशन, पेरिटोनल है विसरल रिलेशन, और एंड में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आया है, तो एंड में तुम क्या कर सकते हो, तुम इसके एंड में जो है इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी शो कर सकते हो। तो क्या होगा, एग्जामिनर उसको देख के और खुश होगा, आपको ज़्यादा नंबर वो दे सकता है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो मेरी वीडियो को तुम करो लाइक, मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।